हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और लिटरी टर्म्स पर ये फिफ्टी वीडियो है और ये लिटरेरी टर्म्स हमारी इन दो बुक्स एम एच अब्राहम और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो लिटरेरी टर्म्स पर हैं ये कंसल्ट की गई हैं और यहाँ पर जो काम है इन दोनों बुकों बुक्स का हम सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज जो पढ़ने वाले हैं वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग और जो ड्रामेटिक लिरिक है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इनको पढ़ेंगे इसके बाद सॉली ये भी एक प्रकार का मोनोलॉग होता है इसको पढ़ेंगे फिर एसाइड ये भी एक प्रकार का मोनोलॉग होता है इसको पढ़ेंगे फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो 2021 थाउजेंड ट्वेंटी के डीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोइम दैट कंटेन्स अब देखना है अ सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ देखिए मोनोलॉग है और ड्रामेटिक है तो नेचुरल है डायलॉग में होगा कोई बात जब डायलॉग में बात होगी, तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर जरूर है लेकिन वो ऑडियंस से बात करता है उसका एक ऑडियंस होता है सेवरल स्पीकर टाकिंग टू वन सब्जेक्ट तो ये भी नहीं है सिंगल करेक्टर होता है वन इमेजनरी स्पीकर टाकिंग टू एन इमेजनरी ऑडियंस तो ये पॉइंट पर ठीक है अ सिंगल डायलॉग अ पोईम नहीं है तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे अदर टॉपिक्स पर तो कहने का मतलब है अगर हम सपोज करें तो नेक्स्ट टीजीटी में भी इसी तरह की डेस्क्रिप्टिव लाइंस आएंगी और आपके क्वेश्चन को कठिन बना देंगी तो इसी तरह हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग की डेफिनेशन जानने से पहले हम कुछ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं पहला प्रश्न तो यही हमारे मन में आता है कि वॉय इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग कॉल्ड ड्रामेटिक कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को ड्रामेटिक क्यों कहा जाता है मोनोलॉग जो है सिंगल स्पीकर की स्पीच है इसलिए मोनोलॉग कहा जाता है और ड्रामेटिक का मतलब है यह एक स्पीच की फॉर्म में होता है स्पीच की फॉर्म में होता है तो डेफिनेशन जो लाइन बनी ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोइम रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर और ये रॉबर्ट फ्रोस्ट द्वारा सॉरी रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा ड्रामेटिक मोनोलॉग को परफेक्ट किया गया ये आपके विक्टोरियन पोइट हैं और इससे पहले भी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की पोईम है ओल्ड इंग्लिश में वो हैं दंडर और द सी फेरर और बहुत सारे जो फॉक बैलड हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखे गए हैं अब हम बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की डेफिनेशन की और इस डेफिनेशन से बहुत सारे पॉइंट जो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग की फीचर्स हैं वो सब इस से निकल कर आ जाएंगे तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ काइंड ऑफ पोइम और आ लेंदी स्पीच बाय अ सिंगल फिक्शनल और अ हिस्टोरिकल करैक्टर अदर देन द पोइट स्पीक्स टू अ साइलेंट ऑडियंस ऑफ वन और मोर पर्सनस यहाँ तक समझते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक स्पीच है और एक लंबी पोइम है लंबी स्पीच और पोइम है जो एक सिंगल करैक्टर के द्वारा बोली जाती है और वो सिंगल करेक्टर पोइट नहीं है जो एक साइलेंट स्पीकर से बात करता है और ये साइलेंट स्पीकर एक या ज़्यादा हो सकते हैं अगले पॉइंट समझते हैं सच पोइम्स रिवील नॉट ओनली द पोइट्स ओन थॉट, बट द माइंड ऑफ इम्पर्स इम्पर्सोनेटेड करैक्टर हुज पर्सनैलिटी इज रिवील्ड अनबिटिंगली अगला पॉइंट निकल कर आता है कि ऐसी पोइम पोइट के थॉट के साथ साथ जो इम परसोनेट करेक्टर होता है इम्पर्सनेट का मतलब है जो करेक्टर वहाँ परफॉर्म कर रहा है यानी कि स्पीकर हुज पर्सनालिटी रिवील अनबिटिंगली अनजाने में उसकी पर्सनालिटी भी रिवील होती है तो यहाँ पर जितने ये सही के निशान लगे हैं इससे ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर्स निकल कर आते हैं तो समझिए कौन कौन से फीचर्स निकल कर आते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए स्पीच ऑफ सिंगल करैक्टर एक बात सेकेंड जो करैक्टर है वो सिंगल होता है और फिक्शनल होता है तीसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है स्पीकर पोइट नहीं होता और अगला जो फीचर्स है स्पीक टू ए साइलेंट ऑडियंस इसमें साइलेंट ऑडियंस होता है ज़रूर होता है चाहे एक हो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे अनबिटिंगली यानी कि अनजाने में स्पीकर का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है तो इससे जो मेन एम एच अब्राहम ने करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं फीचर्स बताए, है, बताए है, वो पढ़ेंगे तो पहले हम एक पॉइंट और जान लेते हैं कि ड्रामेटिक मोलोलॉग पोइम है ध्यान रखिए पोइम है एंड डज नॉट डिजाइनेट अ कंपोनेंट इन अ प्ले ये प्ले के लिए नहीं है प्ले का कोई भाग नहीं है बट टाइप ऑफ लिरिक पोईम वॉज परफेक्टेड बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग और एग्जाम्पल है टेनिसन की अलिशियस रॉबर्ट ब्राउन की फ्रा लिपोलिपी माई लास्ट डचिस बहुत सारी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं टी एस इलियट का फेमस है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक अब हम फीचर्स पढ़ते हैं पढ़ते हैं जो एम एच अब्राहम ने बताए हैं देखिए यही फीचर्स हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग को बेटर डिफाइन करते हैं a single person who is clearly not a poet is par par dhyan dena who is not clearly not a poet utters the speech that make up the whole poem in a specific situation at a critical moment यानी कि एक महत्वपूर्ण क्षण के विशेष स्थिति में यानी स्पेशल कंडीशन में मूवमेंट में जो स्पीच होती है तो उसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलेंगे और ये सिंगल स्पीकर के द्वारा बोली जाती है और वो सिंगल स्पीकर पोइट नहीं है सेकंड इसका फीचर्स है दिस पर्सन एड्रेसेस एंड इंटर एक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल जिनसे वो वार्तालाप करता है और जिस पर उसका परस्पर प्रभाव पड़ता है वो जो है ऑडियंस होते हैं वाट दे से और डू ओनली फ्रॉम क्लूज इन द डायलॉग ऑफ द सिंगल स्पीकर तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जो स्पीकर बात करता है वो दो या एक या एक से अधिक ऑडियंस हो सकते हैं और ऑडियंस की जो उपस्थिति है उनके बारे में हमें जो स्पीकर बोलता है उसी के क्लू से पता लगता है यानी कि ऑडियंस साइलेंट होता है लेकिन कितने ऑडियंस हैं किससे वो बात कर रहा है इस सारी की सारी जानकारी जो स्पीकर बोलता है उसी के डायलॉग से ही हमको क्लू मिलता है और थर्ड जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है द मेन प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द पोइट्स फार्मुलेशन जो इसका सिद्धांत है जो कवि के जो फार्मूला है ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो इसको कंट्रोल करता है और व्हाट द स्पीक लिरिक स्पीकर सेज टू रिवील द रीडर तो जो स्पीकर बोलता है वो रीडर को इस प्रकार प्रकट करता हुआ चलता है इन अ वे दैट इन्हांस इट्स इंटरेस्ट द स्पीकरस टेम्परामेंट एंड करेक्टर जो रीडर की रुचि को बढ़ाए इसके साथ साथ जो स्पीकर है जो स्पीकर है उसके टेम्परामेंट को यानी कि उसके स्वभाव को और उसके करैक्टर को भी डेवलप करता है यानी कि करैक्टर जो डेवलप होता है वो स्पीकर के डायलॉग द्वारा ही पता लगता है कि स्पीकर का करैक्टर क्या है उसका टेम्परामेंट क्या है उसका इनर थॉट क्या है वो उसके डायलॉग से ही तो पता लगते हैं तो सिंगल स्पीकर होने के कारण ये सारी सिचुएशंस आती हैं तो समझ गए होंगे कौन कौन सी बातें ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे अब बात होती है कि ड्रामेटिक जो मोनोलॉग है और जो आपका ड्रामेटिक लिरिक है दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है तो ध्यान रखिए ये दो पॉइंट हैं पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू जो थर्ड पॉइंट है जिसमें स्पीकर का टेम्परामेंट और करैक्टर जो है वो रिवील होता है ये मेन पॉइंट है तो यही मेन अंतर करता है तो इसमें पढ़ेंगे कि टिंटन एबे क्यों ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है ड्रामेटिक लिरिक है तो देखिए मेन डिफरेंस जो है ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग में द थर्ड फीचर जिसके हम बात कर रहे थे थर्ड फीचर ही है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक में अंतर करता है डिफरेंस करता है क्या है द फोकस ऑन सेल्फ रिविलेशन सर्व्स टू डिस्टिंग अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड अ ड्रामेटिक लिरिक कैसे क्योंकि ड्रामेटिक लिरिक में जो फोकस है वो सेल्फ रिविलेशन पर नहीं होता यहाँ पर जो स्पीकर है वो सेल्फ रिविलेशन नहीं करता यानी अपने इनर थॉट को इनर कॉन्फ्लिक्ट को वो रिवील नहीं करता है ड्रामेटिक लिरिक में जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में सेल्फ़ रिविलेशन होता है उस स्पीकर का और वो भी सेल्फ रिविलेशन क्या होता है अनबिटिंगली होता है अनजाने में होता है अब बर्ड्स की के टिंटर एबे की बात करते हैं और ड्रामेटिक मोनोलॉग से इसको कंपेयर करते हैं देखिए क्या है इट इज स्पोकन बाय वन पर्सन टू अ सिंगल ऑडिटर इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन इन अ मोमेंट ऑफ हिज लाइफ ये सारी बातें ड्रामेटिक मोनोलॉग की हैं भाई सिंगल स्पीकर है सिंगल ऑडियंस है और स्पेसिफिक सिचुएशन है तो अंतर क्या है इट इज नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रॉपर बोथ बिकॉज दो कारण है क्योंकि बी आर invited टू identify the स्पीकर विद the पोइट हिमसेल्फ जब हमको स्पीकर की जानकारी से परिचय होते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये पोइट हिमसेल्फ है तो आपने पहले पढ़ा कि जो सिंगल कैरेक्टर बोल रहा है वो फिक्शनल होना चाहिए क्या होना चाहिए फिक्शनल और पोइट तो नहीं होना चाहिए तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि पोइट हिमसेल्फ स्पीकर है टिंटरनेबे में सेकेंड वन द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल एंड फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट द रिव्यूलेशन ऑफ स्पीकर डिस्ट्रिक्टिव टेम्परामेंट तो जो स्पीकर का विशेष स्वभाव है टिंटरनेबे में वो रिव्यूलेशन नहीं होता है फिर रिवील क्या होता है देखिए इनर थॉट को रिविलेशन का होता यहाँ पर तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाता लेकिन यहाँ पर क्या है उसके इनर थॉट का रिविलेशन नहीं है बट द इवोल्यूशन ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस बल्कि उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो उसकी स्मृतियाँ हैं जो उसके विचार हैं टू बार द रिजोल्यूशन ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम जो इमोशनल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो उसकी स्मृतियाँ हैं जो उसने निरीक्षण किया है उन सब बातों का क्या है ये इवोल्यूशन है उसका विकास है तो टेंटन एबे पोइट के थॉट का पोइट के इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्मृतियों का उसके ऑब्जर्वेशंस का एक विकास है उसके इनर थॉट का विकास नहीं है उसकी पोइम जो है टिनटन एबे किसी भी तरह से पोइट के करैक्टर को डिस्क्राइब नहीं करती उसके करैक्टर को रिवील नहीं करती बल्कि जो सिचुएशन है आउटवर्डली जो उसने अनुभव किया है अपने जीवन में उन चीज़ों को वो सॉल्यूशन निकालता है तो ये मेन अंतर है और एक अंतर और है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग से टेंटर एबे को अलग करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है इसमें इस लाइन को पढ़ लेते हैं द बंड फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज आल्सो मिसिंग इन टिंटन एबे कौन सा मिसिंग है वो देख लेते हैं इन टिंटन एबे द स्पीकर एलेबोरेटली एंड डेलीबरेटली गिब्स इंजेनियस आर्गूमेंट्स यानी कि टिंटन एबे में पूर्ड जो है जान बूझ कर अपने बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों को बताता है उसको इलेबोरेट करता है रादर देन द करेक्टर ही इनएडबर रिवील्स ऑफ हिज कोर्स ऑफ आर्गुइंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग जिस प्रकार ड्रामेटिक मोनोलॉग में विचारों को अनजाने में प्रकट किया जाता है उस तरह नहीं यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉगों में विचार ड्रामेटिक मोनोलॉग में विचार अनजाने में अनबिटिंगली प्रकट होते हैं जबकि टिंटन एबे में पोइट जो है वो जानबूझकर बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से अपने विचार प्रकट करता है तो समझ गए बेसिक डिफरेंस क्या है तो अब जॉन डन की जो द कैनोनाइजेशन और द फिली ये आपके ड्रामेटिक लिरिक हैं उसमें भी जो मेन फीचर्स है ये अभी बात की थी जिसकी जो जानबूझकर अपने विचारों को प्रकट करना ये इन पोएम्स को ड्रामेटिक मोनोलॉग से अलग करता है और ड्रामेटिक लिरिक इनको बनाता है अब हम बात करते हैं सॉली लॉक की देखिए सॉली लॉक का मतलब होता है हिंदी में बोलेंगे तो स्वयगत स्वेगत का मतलब होता है खुद से बात करना मेन डिफरेंट है मेन जो इसका कंसेप्ट है वो है खुद से बात करना कोई सुने ना सुने फर्क नहीं पड़ता खुद से बात करना तो डेफिनेशन है इसका मेन पॉइंट यही है सोलिलॉकी इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू बन सेल्फ यानी खुद से बात करना वेदर साइलेंटली और अलाउड चुपचाप भी हो सकती है खुद से बात मन में मन बात होती है भी मन के मन में बात होती है प्रकट नहीं करते या जोर से प्रकट करते दोनों तरह से ये सॉली हो सकती है होती है अब डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें और जान लीजिए पहली बात सॉली किसी को सुनाई नहीं जाती कभी भी सुनाने के लिए नहीं होती जब ऑडियंस को सुनाया जाता है तो वो एक लिटरेरी टर्म है ड्रामेटिक टर्म है अगर सुनाएगा नहीं तो इनर थॉट को करेक्टर के इनर थॉट के बारे में लोगों को पता कैसे लगेगा इसलिए उसको अलाउड करके बुलवाया जाता है तो ध्यान रखिए सॉरी किसी को सुनाई नहीं जाती भाई ड्रामेटिस्ट उसको तो सुन सुनवाता है अलग बात है एक बात अगर ये बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही है तो फोन करके मुझसे पूछ लेना ठीक अब यहाँ समझिए सिचुएशन मान लो आपका कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा जाती है और हो सकता है उस सिचुएशन में आपकी गलती ना हो और आपको गलत ठहरा दिया जाए तो आप वहां से तो चुपचाप चले आते हो और पूरे रास्ते भर आप बातों को बड़बड़ाते रहते हो गाली भी देते हो बहुत सारी बातों को सुनाते हुए मन में मन चले आते हो और जोर जोर से भी बोलते हो आप अकेले हो उस समय मोटरसाइकिल से चले आ रहे हो तो जब वो मन की भड़ास आप निकालते हो अब बताइए वो आप बात किसको सुनाने के लिए कह रहे हो किसी को लिए नहीं लेकिन मन की भड़ासो तो निकाल रहे हो तो वही मन की भड़ास वही इनर थॉट जो आप अकेले में व्यक्त करते हो वही सॉरी लॉकी है उम्मीद करता थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं अ ड्रामेटिक स्पीच अटर्ड बाय वन करेक्टर स्पीकिंग अलाउड और साइलेंटली इन और इनर थॉट्स एंड फीलिंग वाइल एलोन ऑन द स्टेज वाइल अंडर द इम्प्रेशन ऑफ बींग ए अकेले होने पर या अकेले होने का भाव होने पर जब कोई भी स्पीकर अपने इस इनर थाट को साइलेंटली या जोर से व्यक्त करता है तो उसे हम ड्रामेट क्या बोलेंगे सॉरी लॉके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए प्ले राइट हैव यूज दिस डिवाइस एज आ कन्वीनियंट वे टू कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट द करैक्टर्स मोटिव्स एंड स्टेट ऑफ माइंड यानी कि जो स्पीकर है जो ड्रामेटिक करैक्टर है तो उसके मोटिव को और उसकी मनोस्थिति को व्यक्त करने के लिए सोली को बुलवाया जाता है और पर्पज़ ऑफ एक्सपोजिशन एंड समटाइम्स इन ऑर्डर टू गाइड द जजमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस तो ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स हैं या जजमेंट हैं उनको गाइड करने के लिए उनको समझने के लिए समझाने के लिए भी ये बोले बुलवाए जाने का उद्देश्य होता है और इसका एक सब्सिट्यूट भी बाद में आया था द तो कॉन्फिडेंट वो है कॉन्फिडेंट जिसको बोलते हैं विश्वास पात्र मित्र इज़ यूज एज ए सब्सटीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ सॉलोलौकी इन सोलोलॉकी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरी टर्म है कॉन्फिडेंट इसको हम प्रयोग करते हैं क्या होता है ये एक फ्रेंड होता है किसका प्रोटोगनिस्ट का सॉलिलौकी के माध्यम से जब उसके इनर थाट करते हैं मन की भाषा निकलवाते हैं तो जब उसका मित्र होता है तो मित्र के माध्यम से भी हम उस करेक्टर की बातों को बाहर निकाल सकते हैं तो ये इसका जो है सब्सटीट्यूशन होता है और बेस्ट नोन जो सॉलीलॉकी है टू बी और नॉट टू बी है सॉलीलॉकी इज ए फॉर्म ऑफ मोनोलॉग भी मोनोलॉग होता है क्योंकि सिंगल स्पीकर बोलता है बट मोनोलॉग इज नॉट अ सॉलीलॉकी लेकिन कोई भी मोनोलॉग सॉलीलॉकी नहीं होता जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग या आप कह सकते हो ड्रामेटिक लिरिक अब बात करते हैं एसाइड की एसाइड का मतलब है ये स्टेज है आपको अब यहाँ पर सारे करैक्टर जो हैं खड़े हुए हैं अब इनमें से एक करैक्टर यहाँ आ जाता है इस सिचुएशन में यहाँ पर आ जाता है और सीधे ये ऑडियंस से अलग हटकर बातें करता है तो नेचुरल तो कि अलग ये अलग हटकर इसलिए आया ताकि इसकी और कोई करैक्टर जो स्टेज पर है वो सुन ना सके और ये सीधे ऑडियंस से बात करता है तो समझ लीजिए एसाइड जो है एक करैक्टर की ऑडियंस से सीधी बात होती है फिल्म आपने देखी होगी घर हो तो ऐसा उसमें कादर खान कई बार ऑडियंस से सीधे बात करता है तो वो एसाइड है अब डेफिनेशन पढ़ते हैं एसाइड शॉर्ट स्पीच और रिमार्क स्पोकन बाई अ करैक्टर इन अ ड्रामा डायरेक्टेड आइदर टू द डायरेक्ट आइदर टू द ऑडियंस और अनादर करैक्टर विच वाई कन्वेंसन इज सपोज टू बी इनऑडियबल अदर करैक्टर्स ऑन द स्टेज यानी कि इसमें एसाइड जो है एक छोटी स्पीच होती है जिसमें एक करेक्टर जो है सीधे ऑडियंस से बात करता है और उसकी बात मानी जाती है कि दूसरे करेक्टर जो स्टेज पर होते हैं वो नहीं सुनते हैं तो आज के लिए इतना ही उम्मीद कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा थैंक यू ऑल द बेस्ट